जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज प्रकृति के इस सौंदर्यकरण में हम फिर आ गए हैं और आपको फिर कुछ नई चीज़ें और नई डिस्कस और कुछ नया पन दिखाएंगे। तो पहले आप ये सीन देख लीजिए और देखिए कि कितना भव्य और सुंदर नज़ारा है प्रकृति का, जो कि इस मौसम में दिखता है आपको। आई थिंक आपने भी इस चीज़ को कभी देखा होगा, बट आप पहले ये पूरा का पूरा नज़ारा देख लीजिए। ये अद्भुत है, अद्वितीय है, अद्वितीय अद्भुत। तो ये जो नदी देख रहे हैं आप, ये हमेशा ऐसी ही बहती रहती है और बारिश के समय में इसमें काफ़ी पानी आ जाता है। और देखिए चारों तरफ कैसे प्रकृति अपना नया उत्सर्जन लिए हुए एक नई ग्रीन चादर को अपने अंदर समेटे हुए चल रही है। और आप इस चीज़ को बड़ी भांति देख सकते हैं, जहाँ कहीं कुछ पेड़ जो होते हैं वो कभी भी उनमें हरियाली नहीं आती, चाहे उनमें कितना भी पानी या प्रकृति कितनी भी मेहनत कर ले। क्योंकि देखिए जब जिसका अंत होता है उसका प्रकृति समूल ही नाश कर देती है। तो अब हम जैसे अभी आप देख रहे हो और इस इतने अच्छे सौंदर्यकरण को अगर हम देखें तो हमें हमेशा से ना इन चीज़ों को देखते रहना चाहिए, जिससे कि हमें लाइफ के बारे में एक सच और सही चीज़ का जो सामना है वो हो जाता है कि समय और जीवन हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो हमारे जीवन में भी अगर कोई कठिनाइयाँ आती हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं तो सारी प्रॉब्लम्स की जो सलूशन होता है इस प्रकृति के अंदर छिपा हुआ है। तो जब भी आपको टाइम मिले तो ऐसे जगहों को ज़रूर एक्सप्लोर करें, इनसे आपके मन में और मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और आपकी सोच को एक नई गति मिलती है। तो दिखाते रहूँगा मैं अपने लिए और अपने जैसों के लिए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, चलिए थैंक यू।